नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए डिक्टेशन लिखेंगे, जिसका स्पीड है 60 WPM। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। बैंक में चेक जमा करना हमेशा ही गारंटी नहीं देता है कि यह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। कई बार यह बैंकिंग प्रक्रियाओं के कारण खो जाता है। अक्सर इसे बाउंस होने के बाद रोक दिया जाता है। यदि आपने SMS अलर्ट सुविधा के लिए आवेदन नहीं किया है तो संभवतः आपको यह भी पता नहीं होगा कि आपके खाते में राशि जमा नहीं की गई है। क्या आप जानते हैं कि उस जब कोई चेक अस्वीकृत हो जाता है तो बैंक आपको इसकी सूचना देने वाले होते हैं, और इसका कारण क्या है यह बताना जरूरी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक निर्देश के अनुसार बैंकों को ऐसा करने का कारण बताते हुए 24 घंटे के भीतर खाताधारक को बाउंस चेक वापस करना चाहिए। हालांकि अधिकांश बैंक इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैंक को एक ग्राहक का चेक खोने का दोषी पाया और चेक के बराबर की राशि का भुगतान करने के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहराया है। जिला आयोग ने अपने आदेश दिनांक 10/10/2013 को आंशिक रूप से इस शिकायत की अनुमति दे दी थी। राज्य आयोग ने 20/1/2016 के अपने आदेश में बैंक को प्रतिवादी को चेक की पूरी राशि अर्थात 360,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसलिए ये संशोधन याचिका राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ बैंक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 21B के तहत दायर की गई थी। जांच एवं उसका परिणाम NCDRC ने यह पाया कि जब
बाउंस हुए चेक को प्रतिवादी के पंजीकृत पते से अयोग्य करार दिया गया था तो उसे बाद में किसी भी अवसर पर प्रतिवादी को वितरित नहीं किया गया था, बल्कि यह पाया गया कि समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर डिक्टेशन का शब्द चिन्ह प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ पैड बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सब सुविधा मिलेगी।